आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि इसने ये ट्वीट किया, उसने वे ट्वीट किया, तो ये जो ट्वीट जो होते हैं ना, ये ट्विटर से ही किए जाते हैं। ट्विटर पे जब भी कुछ पोस्ट किया जाता है तो उसको ट्वीट कहा जाता है। न्यूज चैनलों पर आप जो न्यूज देखते हैं वो ज़्यादातर जो है ट्वीट से ही उठाते हैं और ट्विटर से ही लिए जाते हैं, क्योंकि ट्विटर पे मोस्टली वहाँ पे सभी पॉलिटिशियन, सभी एक्ट्रेस और जितने बिजनेसमैन हैं सभी आपको ट्विटर पे मिल जाते हैं। तो उन्हें कुछ बोलना होता है, कुछ कहना होता है, तो वो जो है कुछ बोल के, कुछ टाइपिंग करके ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं, जहाँ से न्यूज़ चैनल वाले ने वहाँ से उठा के वो टीवी पर, न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ डाल देते हैं, जहाँ से आप उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ट्विटर पे जहाँ आप ये देखते हैं कि कौन से आदमी ने, कौन से एक्टर ने, कौन से पॉलिटिशियन ने क्या पोस्ट किया है, वैसे ही वहाँ पे जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिल्ली पुलिस से कंप्लेन करना है तो वहाँ पे डालेंगे दिल्ली पुलिस और अपना नाम @ डाल के अपना नाम मेंशन कर देंगे। जैसे अगर आपको रेलवे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप रेलवे से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शिकायत करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डालेंगे IRCTC @ डाल के अपना नाम मेंशन करेंगे और क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या परेशानी आ रही है, वो वहाँ पे टाइपिंग करके पोस्ट कर देंगे, तो वो रेलवे के जो पास चला जाएगा, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलने का चांसेस बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है किसी को भी आप जो है शिकायत कर सकते हैं, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ट्विटर का इस्तेमाल अभी के टाइम में सबको आना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको जानने के लिए, देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सीखेंगे कि किस तरीके से ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्विटर को डिटेल में चलाने के लिए सबसे पहले क्या है कि ट्विटर को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और इसमें डाल देंगे ट्विटर। तो इस तरीके से ट्विटर डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्विटर को पहले इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्विटर डाउनलोड हो चुका है। ट्विटर को डिटेल में कैसे चलाएंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां से इसको आप ओपन करेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहां क्रिएट वाला है, क्रिएट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आपकी याद के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो फ़ोन नंबर डालिएगा तो फ़ोन नंबर के आगे +91 इंडिया है, तो इंडिया का कोड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है ईमेल आईडी के थ्रू बनाएंगे, या तो आप फ़ोन नंबर से बनाइए या ईमेल आईडी से बनाइए, दोनों का मेथड सेम ही है। चलिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पहले अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद देखिए यहाँ फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ चुका है, तो फ़ोन नंबर डालिए या नीचे यहाँ पर देखिए यूज ईमेल इंस्टेंट। तो यहाँ मैं ईमेल से बनाऊंगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ साइनअप का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड गया हुआ, वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके इस मोबाइल में है तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए कोड आ चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते यहाँ पर देखिए कि कोड मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 58 34 27 है, तो ये कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पर कोड डाल देते हैं।
कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है पासवर्ड सेट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐड करेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर मिला के आप यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे देखिए कि फोटो अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। नीचे देख रहे हैं स्किप फॉर नाउ, तो यहाँ से आप स्किप करके हटा सकते हैं और बाद में भी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं बाद में करूँगा, तो मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं इसके बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे अपना बायो लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त, यहाँ पर मैं दोस्तों लिख दिया, या इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे आप पहले क्या करना है, नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से लैंग्वेज अपना चूज कर लीजिए, चलिए मैं इंग्लिश चूज के यहाँ से करके नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि आपका इंटरेस्टेड किस में है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में है तो इस पर क्लिक करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल, जिसमें भी आपका इंटरेस्टेड है उसको आप फॉलो कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका अकाउंटिंग में है तो इसको आप फॉलो कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो कर लीजिए, या नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ इससे हटा दीजिए। इस तरीके से अगर आप एक्टर यहाँ पर देख रहे हैं कि सोनू सूद है, अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे राहुल गांधी, अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसे फॉलो वाले पर क्लिक कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो इसको हटा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार है, इसको फॉलो करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से एनडीटीवी है, इसको फॉलो करना है तो इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो कोई भी पोस्ट अपलोड करेगा ट्विटर पे तो ये आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। सो इस तरीके से आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, आपको बैक आ जाना है, तो यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज आपका ओपन होकर आ जाता है। ये आपका जो होम है, तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करते यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वार कोड है, तो इस पर क्लिक कर यहाँ पे आपका वार कोड आ जाता है। ये वार कोड आप किसी भी पर्सन को सेंड कीजिएगा, तो वो पर्सन बहुत ही आसानी से इसको स्कैन करके आपके ट्विटर पे आ सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ देखिए कि आपका प्रोफाइल आ जाता है। यहाँ प्रोफाइल वाले पे क्लिक से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ टैग वाला फोटो है तो फोटो को क्लिक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे चूज वाला पे जाके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कि आपका ऑप्शन आ चुका है एडिट का ही, तो आप यहाँ से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एडिट वाले पर क्लिक कीजिएगा, और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ कवर फोटो भी लगा सकते हैं, तो इस पर वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फोटो खींच के लगाइए, यहाँ पर चूज वाले पर क्लिक करके आप गैलरी में से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गैलरी में चूज कर लीजिए कौन सा फोटो लगाना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ गैलरी पे, और आपको फोटो चूज कर लेना है कि आपको कौन सा फोटो लगाना है। चलिए हम यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे, और मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका कवर फोटो आ जाएगा, आपको यहाँ फोटो को एडजस्ट कर लेना है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपका कवर फोटो लग चुका है। अब यहाँ प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए यहाँ जो है इस वाले पर क्लिक कीजिएगा, चूज वाले पर क्लिक कीजिएगा, और इसमें अपना प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से चूज कर लेना है गैलरी, गैलरी में मैं चूज कर लेता हूँ कि मैं कौन से फोटो लगाना है। इस तरीके से मैं फोटो सेलेक्ट कर लूँगा, और इस तरीके से आपका फोटो आ जाएगा। आप कितना लगाना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे यूज वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ अपना बायो लिख सकते हैं, लोकेशन एड कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद यहाँ ऊपर में सेव वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फोटो है वो अपलोड हो गया है, और यहाँ पर आप कवर फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है फोटो आ चुका है, प्रोफाइल फोटो। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेटिंग इन प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने जो है प्रोफाइल का यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्ले वाला सेटिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाला सेटिंग कर सकते हैं, अकाउंट वाले पे क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आपका जो है यूजर नेम आ गया, तो ये यूजर नेम आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ई मेल आई डी आ गया, यहाँ पर आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो करंट में पासवर्ड है वो डालिएगा, नया पासवर्ड बनाना
सकते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म कर देना, अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं डीएक्टिव इन अकाउंट, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएक्टिव अकाउंट है, यहाँ से आप अपना अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊँगा कैसे इसको आप डिलीट करेंगे। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है। ये इस तरीके से आपका पूरा प्रोफाइल है। कोई भी पर्सन जो पोस्ट करता है तो ये ट्वीट्स एंड रिप्लाई में आ रहा है। तो कोई भी पर्सन आप जो रिप्लाई करता है वो ट्विटर पर पोस्ट करता है वो आपको इसके नीचे आपको पूरा मिल जाएगा, जो भी पर्सन यहाँ पर पोस्ट किए रहेगा। तो इसके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, जो भी पर्सन जो ट्वीट वगैरह किए रहते हैं वो इसके सारे ही नीचे आ जाते हैं। आप जो ट्वीट कीजिएगा वो आप यहाँ ट्वीट में आ जाएगा, और इसके नीचे आप जो ट्वीट वगैरह कीजिएगा वो इसके आपके नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से आपका मीडिया का है, लाइक का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, जो भी आपको लाइक करेगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर फॉलो वाला ऑप्शन है, किसको फॉलो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से आपको कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पर फॉलोअर्स में आपको यहाँ पर शो। अगर आप ट्विटर पर कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहां से अपना कोई पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो इस तरीके से, और यहां पर आपको नीचे देखिए कि आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहां से आप जो है फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी फ़ोटो अपलोड करना है आप इस तरीके से फ़ोटो वाले पर क्लिक करके यहां पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको गिफ्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपना गिफ्ट वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ ट्वीट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ट्वीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका ट्वीट हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ ट्वीट्स वाले पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके आप जो भी पोस्ट किए हैं वो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पर आपका ये पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैं ये पोस्ट किया हूँ। इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी लाइक करेगा तो वो यहाँ से करेगा, इसके बाद कोई कमेंट करेगा तो यहाँ वो यहाँ पर करेगा, और कोई भी जो रिप्लाई करेगा तो वो इसको यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस तरीके से गुड, इस तरीके से, और इस तरीके से ट्वीट वाले पे क्लिक करके कोई भी पर्सन आपको इस तरीके से कमेंट कर सकता है, इसको यहाँ से रिप्लाई भी कर सकता है। सो गाइस इस तरीके से देखिए एक लाइक और एक आपका हो गया कमेंट। सो इस तरीके से आप जो है कोई भी फोटो कोई चीज़ लिख करके आप ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे सर्च है, सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप किसको सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सर्च ट्वीट में आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीएम, इस तरीके से पीएम डालिएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पीएम, जैसे मैं यहाँ पे बैक काट देता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ IRCTC, इस तरीके से IRCTC का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गया है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। आप इसको फॉलो कर लीजिए, जब भी रेलवे की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूं। पुलिस को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली पुलिस, डाल लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आपका आ जाएगा दिल्ली पुलिस। तो इस तरीके से आप जो है दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस तरीके से ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आप इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इस फॉलो वाले पर क्लिक करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप जिसको भी फॉलो किए रहेगा वो कुछ भी पोस्ट करेगा तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में शो करेगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं करके आप किसी को भी मैसेज किए रहेगा वो अगर आपको रिप्लाई देगा तो वो मैसेज में आपको आ जाएगा। सो गाइस इस तरीके से जो है ट्विटर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर किसी को आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ तो सर्च पोर्टल पे क्लिक करके किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे सो गाइस आपने देखा कितना आसान है ट्विटर को इस्तेमाल करना, इसकी प्राइवेसी को सेटिंग करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्विटर को डिलीट करके हटाऊं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से आप ट्विटर को डिलीट करके उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है ट्विटर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसको आप सेटिंग कर सकते हैं, इसकी प्राइवेसी को सेटिंग कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी कर देना वाले पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले पे क्लिक करते नीचे देखिए डीएक्टिव योर अकाउंट, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है।
जैसे इस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है अकाउंट का, या डीएक्टिव है, डीएक्टिव वाले पे क्लिक कर देना है। अब जो भी पासवर्ड डाले हैं वो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल के डीएक्टिव वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद डीएक्टिव वाले पे क्लिक करके अपना अकाउंट को यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यस डीएक्टिव इस वाले पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक कर दो जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट यहाँ से डीएक्टिव हो चुका है। तो आज आपने देखा किस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट को डीएक्टिव कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा कितना आसान तरीका से आप ट्विटर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसको प्राइवेसी को सेटिंग कर सकते हैं और कितना शानदार तरीका से उसको आप चला सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, फोटो कवर फोटो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को कैसे डीएक्टिव कर सकते हैं। तो गाइस अगर इस तरीके से अगर आपको करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने अकाउंट को डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बनाना है, तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा और फिर से वही प्रोसेस आप करना है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।